अगर आपका YouTube चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है और आप परेशान हैं, बार बार सोचते हैं कि मैं अपने चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज करूं, YouTube चैनल पर आपने बहुत सारी गलती कर रखी हैं, जिसके कारण आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर एक ऐसी फोटो दिख रही है जिसे देखने का हर एक यूट्यूबर का सपना होता है। उसके चैनल पर जब 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है तो उसे मिलता है सिल्वर प्ले बटन। आपको मैं बता दूं, ये हमारे एक मेंबर का है जो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देखते रहते हैं। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट भेजा और बोला, सर आ गया, आपने बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डर रहा था कहीं मेरा चैनल टर्मिनेट ना हो जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर टेक्निकल प्रभाकर आपके साथ कोई बातें शेयर करता है तो देखकर सोचकर समझकर ही शेयर करता है, जिससे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, जिससे कि आपका चैनल में कोई दिक्कत ना आए। अब बात कर लेते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज क्यों नहीं हो रहा है। रीयूज्ड कंटेंट आपका 1 घंटे में मोनेटाइज हो जाएगा, गारंटी के साथ। अगर हार मान ली है तब भी ये वीडियो देख लो। अगर आपने हार मान ली तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको कुछ 7 ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि एक नया चैनल पर रीयूज कैसे आ जाता है और हटता कैसे है और क्या क्या अपलोड करना होता है और क्या नहीं अपलोड में करना चाहिए, जिससे कि हमारा चैनल मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम ना करे। सबसे पहला, हमें दूसरे का कंटेंट नहीं अपलोड करना है। दूसरे का कंटेंट, जैसे कि कोई एक वीडियो आपने उठाया और कॉपी करके पेस्ट डाल दिया। बहुत सारे हमारी माताएं बहनें बहुत सारा काम ये करती हैं कि धीरेन्द्र के शास्त्री जी का या फिर प्रवचन भक्ति वाला कंटेंट, बहुत सारी महिलाएं ये काम कर रही हैं कि वो कॉपी करके पेस्ट कर दे। हमारे मेंबर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं, उनको मैंने मना किया, आगे से उन्हें समझाया कि नहीं करें, उन्होंने अब कहा नहीं करेंगे। दूसरा, अगर आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ा सकते हो तो आप, एक बात आपको बता दूं, विराट कोहली का क्या है, फेस वैल्यू है ना, क्रिकेटर तो है ही, फेस वैल्यू बना हुआ है। अगर विराट कोहली किसी भी प्रोडक्ट को बोल दे कि ये प्रोडक्ट खरीद लो, आपके लिए अच्छा है, तो प्रोडक्ट एक ही दिन में कम से कम करोड़ों लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो वो फेस वैल्यू होता है, इसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, आपका अगर फेस वैल्यू बन जाता है तो आप स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, आप अपने वीडियो पर किसी भी प्रोडक्ट का सेल कर सकते हैं, किसी को कुछ भी बता सकते हैं, आपको लोग पहचानेंगे, आपके साथ सेल्फी लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अपनी फेस के साथ में वीडियो बनानी होगी। अब कुछ माताएं बहनें हमारे ऐसी भी हैं जिनके घर पे परमिशन नहीं है कि वो फेस के साथ में वीडियो बनाएं। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपके घर में परमिशन नहीं है तो आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि आपका भाई आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आया है। आपको अपनी आवाज रिकॉर्ड करनी है, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर वीडियो डालिए, जिस भी टॉपिक पर, जिस भी कैटेगरी पर आप वीडियो डालना चाहते हो। एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बता रहा हूं जिस वेबसाइट की मदद से आप बढ़िया बढ़िया टॉपिक, बढ़िया बढ़िया कीवर्ड, बढ़िया बढ़िया वीडियो आइडियाज सब कुछ सर्च कर सकते हैं। इस वेबसाइट का नाम है Pinterest.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड, आप यूट्यूब से रिलेटेड, आप चैनल आइडिया से रिलेटेड, चैनल का कीवर्ड से रिलेटेड ये सारी चीजें अपलोड कर सकते हो। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करना। अब मैं आपको बताता हूं कि रीयूज्ड कंटेंट कैसे आता है। हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनके चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है और वो फिर हमारे पास आते हैं, हमसे कहते हैं सर मेंबरशिप दे दीजिए, हम मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए। जैसे कि आपके सामने अभी एक स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये लड़के का चैनल आज ही मोनेटाइज हुआ जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। इस लड़के ने मुझे भेज दिया कि सर चैनल मोनेटाइज हो गया। मैंने लिख दिया कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत मुबारकबाद। इन्होंने कहा थैंक यू सर, आपको भी। तो अब इनका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ है और रीयूज्ड कंटेंट आता क्यों है? रीयूज्ड कंटेंट जब ही आता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि दूसरे की वीडियो नहीं डाल, आप लोग डाल देते हो, ये गलत है। अगर आप गलत करोगे तो कभी मोनेटाइज नहीं होगा। आप दूसरे का कंटेंट बिल्कुल मत डालो। जैसे आप देखते हो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वीडियो वायरल हो जाता है, उन्हीं का कॉपी किया और अपलोड कर दिया, ऐसे नहीं करना है। बहुत लोग आपको ये भी बताएंगे दूसरे की वीडियो को ले लो, छोटे छोटे मिनट में बनाकर अपलोड कर दो, आपको उससे सब्सक्राइबर मिल जाएगा, आपको उससे वॉच टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपको उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको उससे पैसे नहीं मिलेंगे। क्योंकि यूट्यूब पर अगर आप आए हैं तो आप पैसे कमाने के लिए ही आए हैं। अगर पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं तो मुझे नहीं लगता फिर आपको ये वीडियो देखने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो पर आपको पैसे कमाने से रिलेटेड बातें बता रहा हूं और ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपका भविष्य, आपका चैनल दोनों तैयार कर देंगी, ये बात ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे भाई बंधुओं के पास एक अपील का ऑप्शन आ जाता है। जब अपील का ऑप्शन आता है तो अपील कैसे करें, अपील में क्या बोलें, अपील में क्या बनाएं, अपील करते टाइम क्या ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपको अपील करना है तो आप कोई भी वीडियो डिलीट ना करें, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, लेकिन आप डिलीट कर सकते हैं, ये मैं कहता हूं डिलीट कर सकते हैं। अपील करने के पहले अगर आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो कर दीजिए, लेकिन जब आप अपील कर रहे हो उसके बाद कोई वीडियो ना अपलोड करें। अपील की लैंग्वेज हिंदी, बंगाली और इंग्लिश, ये 3 लैंग्वेज में अपील बना सकते हैं। इन तीनों लैंग्वेज में बनाने के बाद आपको सब टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। अपील की वीडियो जब भी बना रहे हो तब आपको स्टार्टिंग के 30 सेकंड के अंदर अपने चैनल का URL दिखाना होता है, ठीक है।
ये काम आपको करना है। अगर आप अपील वीडियो बनाते हैं, अपील वीडियो 5 मिनट की होती है, उससे कम की ही बनाएं और अपील वीडियो को अनलिस्टेड करके अपलोड करें और फिर उसके लिंक को कॉपी करके अपील पर क्लिक करके जाकर अपील कर दें। इस तरीके से आप अपील वीडियो बना सकते हैं, अपील कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जिनके चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, तब उन्हें ये नहीं पता चलता मैं वीडियो किस टॉपिक पर डालूं, वीडियो ट्रेंड कहां से लेकर आऊं, वीडियो में जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सारी चीजें कैसे लेकर आऊं। आप एक काम करिए, एक तो गूगल का ट्रेंड सर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड लिखकर सर्च करेंगे आपको वहां पर एक वेबसाइट आएगी और उस वेबसाइट पर एक ट्रेंड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे वहां पर बहुत सारे टॉपिक दिख जाएंगे, उस टॉपिक पर आप वीडियो बना सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब का ट्रेंड सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी ट्रेंडिंग दिखता है, कितनी वीडियो ट्रेंड हो रही है, कौन सी वीडियो ट्रेंड हो रही है, किस टॉपिक पर ट्रेंड हो रही है, आप यूज कर सकते। तीसरा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो तीसरा बता रहा हूं कि अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं उस टॉपिक को पहले यूट्यूब पर सर्च करिए, अगर उस पर 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए हैं कम से कम 4-5 चैनलों पर, तो आप उस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था चैनल सर्च में कैसे लाएं, इस पर अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जिस पर 2-2, 3-3 मिलियन व्यूज आए हैं। और मेरे भी चैनल पर जब मैंने ये वीडियो बनाया तो उस टाइम तो व्यूज नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे करके उस पर 2-2.5 लाख व्यूज आ गए। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये काम आप कर लेना। अब बात कर लेते हैं मोनेटाइज होते ही क्या डॉलर मिलने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर डॉलर आना शुरू हो जाता है, एक दिन में कितने डॉलर बनते हैं अगर चैनल मोनेटाइज आज ही हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना तो आपको डॉलर मिलने स्टार्ट तो होते हैं लेकिन बनने नहीं स्टार्ट होते, डॉलर शो नहीं करता है, क्योंकि अभी आपके चैनल पर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं। हाँ, अगर आपके चैनल पर 1-2 लाख व्यूज आ रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए $15-20 एक दिन में आप कमा सकते हैं, $15-20 एक दिन में आप बना सकते हैं अगर आपके एक एक वीडियो पर 1-1 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और अगर व्यूज नहीं आते हैं तो डॉलर बहुत कम बनते हैं, स्टार्टिंग दिनों में आपको 6-6 महीने लग जाएंगे $100 कंप्लीट करने में। लास्ट पॉइंट जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, एक बार में सब कुछ बता ही दिया है। ये पॉइंट जो बता रहा हूं, ये पॉइंट आपके चैनल के प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आप क्या अपलोड करें जिससे कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, कॉपीराइट क्लेम ना आए, कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, इससे कैसे बचना है मैं आपको बताता हूं। अगर आप चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप 2-3 वेबसाइट बता रहा हूं, इन वेबसाइट का यूज करिए। एक वेबसाइट का नाम है pixels.com, एक वेबसाइट का नाम है Pixabay, एक वेबसाइट का नाम है Unsplash, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जो कि आपको मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पर दिखा दूं। तो ये वेबसाइट आप यूज करिए, इस वेबसाइट से फुटेज आप यूज कर सकते हैं, मतलब वीडियो, ऑडियो, साउंड इफेक्ट, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के साथ साथ आपको कोई कभी कॉपीराइट, कभी कॉपीराइट क्लेम कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप किसी की वीडियो यूज करते हैं तो आप जरूर उस वीडियो का क्रेडिट अपने वीडियो में दे दीजिए, जैसे अभी छोटे में साइड में आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से क्रेडिट लिखकर आप किसी का भी नाम लिख दीजिए जिसका आपने वीडियो यूज किया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें हमारी समझ में आई होंगी। अब आप यूट्यूब पर इस तरीके से काम करेंगे जो मैंने आपको बताया है। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपका चैनल अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे अपने चैनल को मोनेटाइज करें, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना होगा, 2 इंस्टाग्राम की आईडी आपको सामने दिख रही है, इन दोनों आईडी पर आप मैसेज करिए, आइए और लिखिए आई वॉन्ट टू पेड मेंबरशिप, आई वॉन्ट टू वीडियो कॉल। जब आप ये लिखते हैं तो आपको यहां पर मैं वीडियो कॉल करता हूं, मैं मैसेज करता हूं और फिर आपको मेंबरशिप प्रोवाइड करता हूं। आई होप कि आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।